हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैकरेल फिश करी। हिंदी में इसे बांगड़ा बोला जाता है और मलयालम में आइला। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस करी में मैंने बहुत ही सिंपल मसाले यूज़ किए हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी पाउडर, साथ में रोस्टेड मेथी पाउडर लिया है और इसमें मैंने डाला है चेरी टोमेटोस जो मेरे पास पड़े हुए थे। आप लोग नॉर्मल टोमेटोस भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिए। ऑयल मैंने गरम कर लिया है। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। थोड़े से ऑनियन गार्लिक चॉप करके रखा है, इसे हम इसमें डाल देते हैं। थोड़े से करी लीव्स लिए हैं। ऑनियन और गार्लिक को कलर चेंज होने तक हम सोते कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे रोस्टेड मेथी पाउडर, ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है करी में। फिश को मैंने पहले ही क्लीन करके एक साइड में रखा हुआ है। बहुत ही सिंपल मसाले हमने इसमें यूज़ किया है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर हमने आधा टीस्पून लिया है, मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून। आप कितना स्पाइसी पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग लीजिए, कम या ज़्यादा। और धनिया पाउडर हमने यहाँ पर 2.5 टीस्पून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट तक कुक होने देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं पानी डालने के बाद। मसाला रेडी हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं चेरी टोमेटोस। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे फिश के पीसेस जो हमने पहले ही क्लीन करके रखा था। यहाँ पर मैंने 2 फिश लिया है, इसको क्लीन करके आधा आधा कट किया है। थोड़ा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद के अनुसार लीजिए नमक, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसे हम छोड़ देंगे एक 6 से 7 मिनट तक। कवर कर देते हैं और इसे कुक होने देंगे लो फ्लेम में। बहुत ही डिलीशियस करी बनके रेडी है, आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं स्टीम्ड राइस के साथ। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मुझे अपने अनुभव शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। Thank you so much for watching this video.